हाय, गुड मॉर्निंग। बिलियन चैप्टर के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिलियन चैप्टर के कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के एक मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नॉर्मलता या सामान्यता। तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि नॉर्मलता या सामान्यता किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलता या सामान्यता किसको कहते हैं, सबसे पहले हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नॉर्मलता या सामान्यता किसको कहते हैं, इसे देख लिया जाए। अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो डेफिनेशन है, किसी बिलियन के प्रति एक लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांक को नॉर्मलता या सामान्यता कहते हैं। इसका सिंबल होगा कैपिटल एन। कैपिटल एन यहाँ पर या तो नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करेगा या सामान्यता को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी बोला जा रहा है कि यह ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाता है। अब क्वेश्चन में ये आ जाए अगर कि नॉर्मलता ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाता है, क्यों, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि नॉर्मलता ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाता है क्योंकि इसे आयतन के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम अगर सूत्र बनाएं तो सूत्र होगा नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम समतुल्यांक बटा बिलियन का आयतन लीटर में। आप इसे चाहें तो इसे सिंबॉलिक रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे सिंबॉलिक रूप में लिख लेते हैं, नॉर्मलता इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन, आयतन को भी से रिप्रेजेंट करते हैं तो भी हमने लिख दिया। आप चाहे तो ये सिंबॉलिक टर्म्स भी यूज कर सकते हैं। अब के आफ्टर इसे और ज़्यादा सरल रूप में तोड़ा जाए ताकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, तो दूसरा टर्म्स नॉर्मलता इक्वल टू विलेय का, चूंकि विलेय का ग्राम समतुल्यांक है, ग्राम समतुल्यांक का मतलब होगा दिया गया भार बटा तुल्यांकी भार, तो विलेय का दिया गया भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार गुना, या नीचे में देखिए के होल बटा में, जो कि यहाँ आता जिसको हमने चेंजिंग करके मल्टीपल फॉर्म में लिख दिया है। अब देखो, बिलियन का आयतन अगर लीटर से मिलीलीटर में कर दें तो 1000 से भाग दे देंगे, फिर से वो लीटर में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ किया गया है। बिलियन का आयतन ml में, इसमें हमने 1000 से भाग दिया तो ये लीटर में आ गया, लीटर वैल्यू आ चुका है, 1000 ऊपर चला गया मल्टीपल फॉर्म होकर। अब विलेय के दिए गए भार को हमने सिंबॉलिक टर्म्स में x मान लिया, तुल्यांकी भार को e मान लिया और बिलियन के आयतन को भी मान लिया। सो देखो, एक टर्म्स आ गया n इक्वल टू x बटा e गुना 1000 बटा v इन ml। इमेजिन करिए कि फार्मूला हम इसी फॉर्मेशन में लगाते लेकिन आयतन लीटर में होता, तब हम क्या करते, तब लिखते n बराबर x बटा e गुना 1 बटा भी इन लीटर, क्योंकि इस बार आयतन यहाँ लीटर में होना है तो ये 1000 से भाग हमें देना नहीं पड़ेगा। अब इसके मात्रक के ऊपर चर्चा करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो नॉर्मलता का मात्रक ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, यानी बहुत जगह आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, बहुत जगह इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, बट ऐसा ही सिस्टम में नॉर्मली सबसे ज़्यादा टाइम इक्विवेलेंट पर लीटर आप यूज करेंगे। अब आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्मलता का मात्रक ज्ञात करें, तो बिल्कुल जैसे हम पहले किया करते थे सांद्रता में या मोलरता में या मोललता में, कि उसका सूत्र लिखते थे और सूत्र लिखने के बाद उस मात्रक को हम कैलकुलेट कर लेते थे। तो चलिए इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा अपना स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और स्पेस क्रिएट करने के बाद इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर के सूत्र से देखिए, नॉर्मलता इक्वल टू हमने वहाँ लिखा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन भी आयतन। सो ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट ही बटा आयतन का मात्रक लीटर, सो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और इक्विवेलेंट पर लीटर। आप ऐसे करके इसका मात्रक कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स होगा यहाँ पर कि हम विलेय का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो विलेय का तुल्यांकी भार यहाँ दो प्रोसेस से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला प्रोसेस कि अगर यौगिक विलेय हो तो उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान बटा सक्रिय तत्व की संख्या
गुना संयोजकता, हम एक दो एग्जाम्पल्स लेकर इसके ऊपर काम करेंगे। फिर थोड़ा एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर किसी तत्व के बारे में बात करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान बटा संयोजकता। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको एग्जाम्पल्स के जरिए देखा जाए। जैसे मानिए कि किसी कंपाउंड्स में विलेय है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या करेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकाल देंगे। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 का होल बटा। अब इस तरह के कंपाउंड्स में हमेशा पहला तत्व को देखना है कि पहला तत्व क्या है, उसकी संख्या कितना है। तो पहला तत्व की संख्या 1 है, 1 गुना उसी का संयोजकता, तो सोडियम का संयोजकता 1 होता है। कुल मिलाकर कहो तो 40/1 इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 40। एक दूसरा कंपाउंड हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम यूज करते हैं और इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के बारे में सोचते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए हाइड्रोजन 3 हो गया, फास्फोरस 32 हो गया, ऑक्सीजन 16 + 48 हो गया। पहला तत्व तो इसमें है क्या, पहला तत्व तो हाइड्रोजन है जिसकी संख्या 3 है, तो 3 गुना। अब नॉर्मली हाइड्रोजन का संयोजकता कितना, तो +1 गुना 1, हम 1 से गुना कर देंगे। प्लस माइनस से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इस बात को अभी हम क्लियर कर देते हैं। 8 × 2 = 10 = 13 हो गया, और 4 × 4 = 8 हो गया। सॉरी यहाँ पे शायद हम ऑक्सीजन के बारे में कुछ गलत फहमी हो गया है, ऑक्सीजन 16 × 4 = 64 होगा, यहाँ हमने 16 × 3 = 48 कर लिया था, तो ये जोड़ भी रॉन्ग है, इसे हम सही कर लेते हैं। 4 × 2 = 6 = 3 9 6 = 3 9 / 3, अब 3 से डिवाइडेड कर देंगे तो ये हो गया कितना 33, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। आप ऐसे करके इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि बहुत बार ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन परमाणु भार 16, संयोजकता 2 = 8 दे देंगे। या मान लो हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, संयोजकता 1 = 1 हो गया। ऐसे करके आप इजीली इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट करने के लिए आपको बेहतर तरीका से आना चाहिए, तब जाकर आप तुल्यांकी भार को कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो इसी में अगला टॉपिक हमने रखा है, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। बहुत बार नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पूछा जाता है, रिलेशन इन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, और रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो आप दोनों के सूत्र को एक जगह एब्जॉर्ब कर लीजिए, दोनों सूत्र अगर एक जगह एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके आफ्टर आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी। अगर नॉर्मलिटी से आप चलोगे तो क्या पाओगे, एन बराबर एक्स बटा ई गुना 1000/वी इन एवल। इमेजिन करो आपने पहले जो पढ़ा है मोलरता, उस मोलरता में भी ये सब है, तो क्यों ना इस सभी चीज़ को एक जगह एकत्रित कर लिया जाए। अगर इन सभी चीज़ों को एक जगह हम एकत्रित करेंगे सो फाइनली आने वाला क्या है हमारे पास, एन ई। फाइनली क्या आ जाएगा, एन ई, इसी टर्म्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एन ई बराबर 1000x बटा भी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन अकॉर्डिंग टू मोलरिटी, मोलरिटी से चलेंगे तो m बराबर x/wt गुना 1000/वी इन ml। इसमें भी देखो ये दो तीनों चीज़ें हैं, तो इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, मीन्स हम लिख सकते हैं mwt बराबर 1000x/वी, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से यहाँ से चलने पर हमें क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, तो उस प्रॉफिट को हम इजीली यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि दोनों का RHS बराबर है, तो दोनों का निश्चित रूप से LHS भी बराबर होगा। आप इस डाटा को यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मलता में डायरेक्टली मोललता का टर्म्स रख दिया गया, इसके जगह पर मोललता बटा तुल्यांकी भार ऐसा करके यूज करके रख दिया गया है, बट इसे हम थोड़ा अलग तरीका से अपने तरीका से यूज करते हैं। सो लिख सकते थे सर एन ई बराबर mwt। अब इसी को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इस ई को हम इस तरफ कर लेते हैं, तो देखिए
नॉर्मलता बराबर मोलरता गुना आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान ये नॉर्मलता का इक्विवेलेंट वेट इधर आ गया बटा तुल्यांकी भार, ऐसा हो गया। सो नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता गुना आणविक द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार। लेकिन इस फॉर्मूला को भी थोड़ा और हम आसान फॉर्मेट में कर लेते हैं। आपने यहाँ पढ़ा कि ऊपर के यौगिक में तुल्यांकी भार बराबर यौगिक का आणविक द्रव्यमान बटा ये सक्रिय तत्व की संख्या गुना संयोजकता को हम एक नया शब्द दे देते हैं जिस शब्द का नाम हम रख लेते हैं टी चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल आवेश फर्स्ट एलिमेंट्स का उसको हम यूज कर लेंगे। तो देखो आप यहाँ लिख सकते थे नॉर्मलता इक्वल टू एम गुना डब्लू टी बटा, अब इसी इक्विवेलेंट वेट के जगह भी तो यही लिखा जा सकता था कि आणविक द्रव्यमान बटा टी चार्ज, तो डब्लू टी बटा टी चार्ज। अब फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो टी चार्ज ऊपर चला जाएगा, डब्लू टी कैंसिल। सो फाइनली एन बराबर एम गुना टी चार्ज, ये एक रिलेशन आ गया जिस रिलेशन के जरिए हम आसानी से नॉर्मलता से मोलरता या मोलरता से नॉर्मलता कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस के ऊपर भी इसका हम डिस्कशन करेंगे, इसको वर्णन करेंगे। अब देखिए नोट करके एक टॉपिक हमने लिया है कि नॉर्मलता को आयतन के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, अतः दो अलग अलग ताप पर विलेय के समान मात्रा के लिए विलयन का नॉर्मलता अलग अलग होता है। आपने ये पहले भी पढ़ा है कि एन वन वी वन बराबर एन टू वी टू बराबर डॉट 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 डॉट, ऐसे ही ये प्रक्रिया अगर चलते रहे तो एन एन भी एन तक चलता रहेगा। बिल्कुल ये कैसे उसी प्रकार से होते हैं जैसे सांद्रता में या फिर मोलरता में हुआ करता था। अगला टॉपिक कि इस पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने इस पे लिख रखा है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 1.25 लीटर जलीय विलयन में 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है तो विलयन का नॉर्मलता ज्ञात करें। विलयन बना किन किन चीज़ों से है, NaOH प्लस जल इक्वल टू विलयन, विलयन का आयतन कितना है 2.5 लीटर यानी 1000 से गुना कर देंगे तो 2500 ml। ये देखो इसका वेट दिया गया x 120 ग्राम, आप इसका तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम 23 ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 बटा 1, टी चार्ज इसका 1 है, क्यों टी चार्ज 1 है, सोडियम 1 है और सोडियम का संयोजकता भी 1 है, तो 1 गुना 1 इक्वल टू 1, तो 40 बटा 1 इक्वल टू 40। अब हम सूत्र लगा लेते हैं नॉर्मलता कैलकुलेट करने का। तो चूंकि नॉर्मलिटी इक्वल टू गिवेन मास बाई इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वी इन ml, इसलिए नॉर्मलिटी इक्वल टू गिवेन मास 120 ग्राम है और तुल्यांकी भार आपके पास आ गया 40 गुना 1000 बटा 2500, ये कट गया तीन टाइम में कट गया, ये 2020 कट गया, 5 दूना 10 25 ये भी कट गया, तो ये हो गया 3 × 6 बटा 5। आई होप कि आप निश्चित रूप से भाग दे देंगे, अगर भाग देकर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये डाटा हो जाएगा 1.2 और इसका यूनिट आप या तो डायरेक्टली एन लिख दीजिए कैपिटल एन इतना नॉर्मलिटी, या आप लिख सकते थे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ऐसा करके आप लिख सकते। तो इस तरह से करके हमने यहाँ पे चार क्वेश्चंस लिखा है, चारों क्वेश्चंस को बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चंस है, 2.4 एन वाले विलयन का आयतन यदि मूल आयतन से दोगुना कर दिया जाए तो नॉर्मलता ज्ञात करें। पहले कहता है कि आयतन जब वी वन है, वी वन भी मान लेते हैं आयतन, तो उस समय इसका नॉर्मलता 2.4 है। अब कहता है कि आयतन को दोगुना कर दो, वी टू टू भी कर दो, तो एन टू क्या होगा, आई होप बना सकते हैं आप, फॉर्मूला लगाएंगे एन वन वी वन बराबर एन टू वी टू, इसलिए एन वन का वैल्यू 2.4
चार वी वन का वैल्यू भी, एन टू का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और वी टू का वैल्यू टू भी, वी भी कैंसिल हो गया। सो आप देखो फाइनली आपको आ रहा है एन टू बराबर 2.4/2 इक्वल टू 1.2 नॉर्मलिटी, यानी हम आयतन को अगर दोगुना करेंगे तो नॉर्मलता आधा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, हमने यहाँ लिख रखा है तीसरा क्वेश्चन कि 0.8 लीटर जलीय बिलियन में कितना सोडियम कार्बोनेट घोला जाए ताकि बिलियन का नॉर्मलता 1.5 N हो। नॉर्मलिटी कितना हो जाना चाहिए? 1.5 हो जाना चाहिए। आयतन कितना है? 0.8 लीटर है, मतलब 800 मिलीलीटर है। अब इसमें घोलना क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट कितना घोलना है? एक्स घोलना, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें इसका इजीली पहले इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम 23 × 46, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 दिया 48 का होल बटा। अब देखो पहला एलिमेंट सोडियम है, सोडियम का संयोजकता एक होता है, सोडियम की संख्या 2 है, तो 1 × 2/2 इक्वल टू 48 × 12 = 60, और 46 106/2 इक्वल टू ये आ गया 53। अब आप आई होप कि निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, एक्स का मान निकाल सकते हो। कैसे? तो फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले एन बराबर एक्स बटा ई गुना 1000/V in ml। इसलिए एन, एन का वैल्यू 1.5, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पता नहीं हमें कैलकुलेट करना है, ई का वैल्यू 53 × 1000/800। ये 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। सो फाइनली आप लिख सकते हैं एक्स बराबर 1.5 × 53 × 8/10, जो भी आए इतना ग्राम इसका आंसर होगा। आपको इसे सॉल्व करके देख लेना है। अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है यहाँ पे कि 250 ml n/5 बिलियन बनाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का कितना भार आवश्यक है। सेम क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन 3 था वैसा ही क्वेश्चन 4 भी है। सो आयतन दिया गया है भी बराबर 250 ml, नॉर्मलिटी लिखा हुआ है 1/5। अब किसी तरह अगर ऑक्जेलिक एसिड का आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाए, पता चल जाए, तो आप इजीली इसे बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2O। अब देखते हैं कार्बन 12 × 24, ऑक्सीजन 16 16 32 × 64, और के आफ्टर हाइड्रोजन 2/2 अनुजल, तो 18 × 36 का होल बटा। देखो यहाँ कार्बन एक है लेकिन कार्बन की टोटल संख्या तो 2 है, हम 2 से डिवाइडेड कर लेंगे। सो अब टोटली पहले डाटा हम जोड़ लेते हैं, 4 4 8 2 10 6 16 3 1 4 6 10 12/2 डिवाइडेड कर लेते हैं 63। अब कहता है ऑक्जेलिक एसिड कितना चाहिए, तो एक्स हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाइए कि एन बराबर एक्स बटा ई गुना 1000/V in ml। अब देखो हम यहाँ पे बना नहीं रहे हैं, आपको खुद से डाटा निकालना है। इसका मान मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, एक्स निकालना है। तो आई होप कि आप निश्चित रूप से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन सेट में या आपके असाइनमेंट्स में हमने लिखा है इस पर क्वेश्चंस, क्वेश्चन सेट आठ में बहुत सारा क्वेश्चंस लिखा गया है। आप बनाकर देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, समझिए और सीखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।